नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बनाएंगे लौकी वाली दाल। इसके लिए हम लेंगे एक कप चना दाल। दाल को पानी डालकर अच्छी तरह से दो बार धो लेंगे। हम इसको रगड़कर अच्छी तरह से धुलेंगे ताकि सारे पेस्टिसाइड्स निकल जाएं, जो फसल के पैदावार के टाइम डाले जाते हैं। हम इसको धुलकर छान लेंगे। अब हम इसमें 2.5 कप पानी डालेंगे और इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। इससे दाल जल्दी पकती है। आधे घंटे के बाद हम एक छोटी लौकी लेंगे और उसका छिलका उतार लेंगे। छिलका बहुत ही सावधानी से उतारिए और छिलका उतारने के बाद हम इसे एक बार धो लेंगे। अब हम लौकी को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। हम पूरी लौकी के छोटे छोटे और बराबर टुकड़े कर लेंगे। जिस तरह से मैं इसे काट रही हूँ, उसी तरह से हम पूरी लौकी को काट लेंगे। अब हमारी लौकी कट गई है। अब हम इसे कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे। जब तक मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। लौकी के बाद जो हमने दाल भिगा रखी थी, उसे भी हम कुकर में डाल लेंगे। अगर लौकी फ्रेश नहीं है तो हम यहाँ पर 1 कप पानी और डाल लेंगे। अब हम डालेंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी, नमक स्वादानुसार और इसको एक चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसे मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 सीटी आने तक पकाएंगे। सीटी आने पर हम गैस बंद कर देंगे। अब हम लेंगे 2 मध्यम आकार की प्याज और उसे बारीक काट लेंगे। जब तक प्याज कट रही है, तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अब हमारी प्याज कट चुकी है। अब हम लेंगे 2 हरी मिर्च और उसे बीच से फाड़ लेंगे। फिर हम लेंगे 1 मध्यम आकार का टमाटर और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हमारी सब्जियां तड़के के लिए कट चुकी हैं। अब हमारे कुकर की भी भाप निकल चुकी होगी, तो खोलकर देख लेते हैं। हमारी दाल भी अच्छी तरह से गल गई है। हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 1/4 कप सरसों का तेल, 1 टेबलस्पून देसी घी। इसके गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून हींग, 1/2 टेबलस्पून जीरा, और जीरा के क्रैकल होने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज और मिर्च। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे सुनहरा होने तक भुनेंगे। अब हमारी प्याज सुनहरी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और टमाटर के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून सब्जी मसाला, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसे मिला लेंगे और धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते। आप चाहे तो टमाटर को गलाने के लिए थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं। अब हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। हम अपनी दाल को इसमें पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे तड़के के साथ अच्छी तरह से मिला लीजिए।
मिलाने के बाद इसमें एक बार उबाल आने दीजिए ताकि सारे मसाले दाल में अच्छी तरह से घुल जाएं। उबाल आने के बाद इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। हरी धनिया डालने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और हरी धनिया में विटामिन के भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। हमारी लौकी वाली दाल बनकर तैयार है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।